हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ग्रैंड स्लैम का साल का पहला टूर्नामेंट जो है उसका रिजल्ट आ चुका है। 2023 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले 2022 के जो चैंपियंस रहे हैं, सिंगल टाइटल जिन्होंने जीता है उनको देख लेते हैं वुमेन इन मेन कैटेगरी में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 साल के शुरुआत में यही होता है। राफेल नडाल ने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है, स्पेन से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल टाइटल ये जीता है एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो रनर अप भी देख सकते हैं। राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हरा कर ये जीता है और एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को हरा कर ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2022, इसमें मेंस कैटेगरी में जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया से हैं। निक किर्गियोस को हराकर इन्होंने जीता है। वुमेन सिंगल टाइटल देखें तो एलेना रिबिकिना ने जीता है, कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और इन्होंने ओन्स जेबियोर को हराया है। फ्रेंच ओपन टाइटल की बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन 2022 इसके चैंपियन मेंस कैटेगरी में रहे थे राफेल नडाल, स्पेन से हैं। इन्होंने कैस्पर रूड को हराकर ये टाइटल जीता। वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता इगा स्वाइटेक ने, पोलैंड से हैं, और कोको जियोफ को हराकर इन्होंने ये टाइटल जीता है। फिर लास्ट में है यूएस ओपन 2022, इसके चैंपियन मेंस कैटेगरी में रहे हैं कार्लोस अल्काराज, कैस्पर रूड को इन्होंने हराया और ये टाइटल जीता। और वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीता है इगा स्वाइटेक ने, इन्होंने ओन्स जेबुअर को हराकर ये टाइटल जीता। तो ये हो गए लास्ट ईयर के सारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स, जिनका हो गया हमारा रिवीजन। अब हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम की, तो ये चार होते हैं। कई बार इस तरह पूछ लिया जाता है कि कौन से कोर्ट पर कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। और आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन साल की शुरुआत में होता है और यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है, और ये दोनों ही खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, मिड जैन में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और अगस्त सितंबर में होता है यूएस ओपन, तो दोनों हार्ड कोर्ट। उसके बाद बीच में दोनों होते हैं ये, तो सेकंड नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन जो कि लेट मई टू अर्ली जून में ये होता है और ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। उसके बाद है विंबलडन ओपन, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और जून जुलाई में ये टूर्नामेंट होता है। विंबलडन ओपन ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, ठीक है, 1877 से शुरुआत हुई थी विंबलडन ओपन। कौन सा कोर्ट? ग्रास कोर्ट। ठीक है, यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में, और सबसे नया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं अपने 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन कि किसने जीता है। तो हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल, मेंस सिंगल्स टाइटल 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप पिक्चर में देखकर भी इनको समझ गए होंगे, ये हैं नोवाक जोकोविच। और यहाँ देखते हैं नोवाक जोकोविच ने किसे हराया है, स्टेफिनोस सिटसिपास को हराया है। ग्रीस के प्लेयर हैं जिनको हराकर नोवाक जोकोविच जीते हैं, और ये इनका है 10th टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल। ठीक है, इनके करियर का 22वां है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का 10वां है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के साथ ही ये बन गए हैं वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर। पहले ये पीछे हो गए थे राफेल नडाल से, राफेल नडाल नंबर वन थे, ये सेकंड पर आ गए थे, लेकिन अब फिर से ये अपने नंबर वन टाइटल पर वापस लौट गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल, महिला एकल का खिताब, इसकी बात करें तो ये जीता है एरिना सबालेंका ने। यहाँ आप पिक्चर में भी इनको देख रहे होंगे ट्रॉफी के साथ। कहाँ से हैं ये? बेलारूस की प्लेयर हैं। इन्होंने हराया है एलेना रिबिकिना को, कजाकिस्तान की। अगर बात करें इनकी, एरिना सबालेंका, तो ये इनका सिंगल्स इवेंट में पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है पहले इन्होंने नहीं जीता कोई टाइटल, पहले भी जीता है, लेकिन वुमेन्स डबल्स में जीता है। ठीक है, यूएस ओपन टाइटल 2019 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में इन्होंने जीता था विद एलिस मर्टिन्स, ये वुमेन्स डबल्स में जीता था। इनका पहला सिंगल्स इवेंट में ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है, अभी 2022 में देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेन सिंगल्स ये हम देख ही चुके हैं, राफेल नडाल स्पेन से जीते थे और वुमेन सिंगल्स एशले बार्टी जीती थी। इस बार कौन है? नोवाक जोकोविच यहाँ आ गए हैं और सबालेंका इधर आ गए हैं वुमेन सिंगल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन्स डबल्स टाइटल, डबल्स टाइटल अगर देखें वुमेन कैटेगरी में, तो ये दो महिलाएं हैं महिला डबल का खिताब जीतने वाली, बारबोरा क्रिज़िकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं,
ये दोनों प्लेयर चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। इन्होंने जापान की शुको आओयामा और एना शिबाहारा को हराया है, ठीक है। और ये इनका 7th ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल है। ये दोनों प्लेयर्स ने विमेंस डबल्स का टाइटल जीता था लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलियन ओपन में, विंबलडन ओपन में और US ओपन में, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं दोनों, बारबोरा क्रिजिकोवा, कैटरीना सिनियाकोवा, कहाँ की हैं, चेक रिपब्लिक की। फिर अगर बात करें मिक्स्ड डबल्स 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन, मतलब एक महिला और एक पुरुष प्लेयर, तो ये कौन जीता है, ल्यूजा स्टेफेनी और राफेल मेटोस ब्राज़ील के प्लेयर्स हैं जिन्होंने मिक्स्ड डबल्स का टाइटल जीता है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए याद रखना क्योंकि इंडिया के सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना को हराकर इन्होंने ये मिक्स डबल का टाइटल जीता है, ठीक है। सानिया मिर्ज़ा का ये लास्ट इंटरनेशनल मैच है क्योंकि रिटायरमेंट अभी लेने वाली हैं, तो ये लास्ट मैच था। और इसमें ये दोनों जो हैं ल्यूजा स्टेफेनी और राफेल मेटोस, इन दोनों ने हराकर ये जो टाइटल है ये जीता है मिक्स्ड डबल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन। हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस डबल्स टाइटल, मेंस डबल्स टाइटल्स की बात करें तो ये जीता है जैसोन कबलर और रिंकी हेजिकाटा ने। ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मोनाको के ह्यूगो नाइस और पोलैंड के जैन जेलेंस्की को हराकर ये टाइटल जीता है। यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें, 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हुआ, 16 से 29 जनवरी 2023 में। ये 111वां एडिशन था, हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है और मेन सिंगल्स में जीते हैं नोवाक जोकोविच, वुमेन सिंगल्स में जीते हैं एरिना सबलिंका, मेंस डबल्स में जीते हैं रिंकी हिजिकाता और जैसन कबलर, वुमेन्स डबल्स में बारबोरा क्रिजिकोवा, कैटरीना सिनियाकोवा और मिक्स्ड डबल्स में जीते हैं ल्यूजा स्टेफेनी और राफेल मेटोस, ठीक है। ये आप वापस से यहाँ पर रिवाइज़ कर सकते हैं 2022 के चैंपियंस। और इसी के साथ ये वीडियो का यही होता है अंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।